नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को जहां शानदार जीत हासिल हुई है तो वहीं भाजपा को सबसे कम वोटों में रोहतक जीत मिली है, लेकिन यह जीत भाजपा के लिए सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है। रोहतक जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का काबिज स्थान है तथा 1991 के बाद हुए अधिकांश चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा व दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जीत हासिल की है। जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 3 बार तो वहीं दीपेंद्र हुड्डा 4 बार रोहतक से सांसद चुने गए हैं। रोहतक में भारतीय जनता पार्टी के अरविंद शर्मा को बहुत ही कम अंतर से जीत मिली है, जहां दोनों के बीच में 7,503 मतों का अंतर रहा है और अरविंद शर्मा को 5,73,845 मत मिले हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सोनीपत हार व दीपेंद्र हुड्डा की रोहतक में हार बड़ी हार कांग्रेस के लिए मानी जा रही है, क्योंकि रोहतक में अब तक 17 बार चुनाव हुए हैं जहाँ पर 11 बार चुनाव जीते हैं कांग्रेस ने, जिसमें से 10 बार केवल हुड्डा परिवार ही सदस्य और सांसद चुने गए हैं। इसमें से 2 बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिता चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा व 4 बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा तथा 1 बार उपचुनाव सहित 4 बार दीपेंद्र हुड्डा चुनाव जीते हैं। कांग्रेस के लिए ये सबसे बड़ी हार मानी जा रही है तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बड़ी अहम जीत है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने सेंध लगा ली है। मोदी लहर के चलते अरविंद शर्मा को ये सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है। इसी के साथ आप देख रहे हैं पल पल की ये विशेष रिपोर्ट।